नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों कुछ लोग का डिमांड है, वह लघु उद्योग से वीडियो लेकर आई। फाइनल अपनी डिमांड पर मैं आ गया गोरखपुर में और बख्शीपुर। बख्शीपुर में जैसे आते हैं तो थोड़ी दूरी पर आपको मिलेगा अथवाई का पुल। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे अगरबत्ती के रॉ मटेरियल लगे हुए हैं। आपको बताते चलिए, अगरबत्ती का बिजनेस ऐसा है, मतलब एक बहुत ही कम पूंजी में, यानी कि आप 4-5 हज़ार 10 हज़ार से अच्छा खासा स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट की बात करें सीधे डबल मुनाफे पर काम किया जाता है। फिर अगर स्टार्टिंग रेंज की बात करें, केवल आपको 70 रुपये से स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ जो अगरबत्ती के पूरे राम मेटर जैसे हो गया, पैकेट हो गया, परफ्यूम हो गया, मतलब बहुत सारे कलेक्शन जो हमको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, फाइनली मैं आनर के पास आ गया हूँ। चलिए इनसे बातचीत करते हुए पूरी जानकारी लेते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहेगा। नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर? ठीक है सर। एक बार जो अगरबत्ती आपका किस नाम से है, जो शॉप आपका है? हमारा नाम कृष्णा बाटल स्टोर के नाम से है। जी जी। ये बख्शीपुर चौराहे जो थवई के पुल की तरफ आएंगे, अच्छा, मछली बाजार, अच्छा, और वहीं पर है। छह ही पे ना? हाँ। तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से दूरी की बात कितना होने वाला? और रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से मान के चलिए कि कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास के 2 किलोमीटर के आसपास होने वाला है ना। और अगरबत्ती मतलब क्या क्या अगरबत्ती में आप दिखाने वाले हैं? अगरबत्ती में जैसे रॉ मेटेरियल बनी बनाई सादी स्टिक्स आती है, अगरबत्ती आती है जी। मेनली उसमें काम ये है, पैकिंग का सारा काम है। अच्छा अच्छा। उसमें जो है अगरबत्ती सादी आएगी जी, उसका सादा आयल आता है और उसमें और अच्छे क्वालिटी के लिए और उसमें ग्रेड अच्छे डीपी आयल आते हैं जी। और उसमें परफ्यूम मिला करके एक निश्चित मात्रा में हम लोगों को बतलाते हैं कि इतने मात्रा में इतना मिलाइए, और मिला करके वो उसमें उतना अगरबत्ती वो तैयार करते हैं। और उस बत्ती जब सेंटर्ड हो जाती है जी जी, तब उनको हम रेडीमेड पैकेट्स देते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए तक के पैकेट्स आते हैं। उसमें गिनती के आधार पे वो पैकेट्स अगरबत्ती डाल करके उसके दर्जन की पैकिंग बनवाते हैं और बना करके वो उसको मार्केट में जा करके सेल कर सकते हैं। सर जी मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आजकल बेरोजगारी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आपसे जुड़ कर कुछ कोई बिजनेस करना चाहता है, मिनिमम कितने पैसे लगा कर सकते हैं आप? ये लघु उद्योग में रोजगारी की समस्या को हम लोग इसी काफी हद तक इसको नियंत्रित करते हैं जी जी। इसमें जो है एक छोटे से छोटा भी मतलब व्यापारी चाहे 4-5 हज़ार रुपए से लेकर के जी, और अधिक से अधिक तो कितना भी लिमिट नहीं होता, लिमिट नहीं होता है, और वो लेकिन वो एक कम पैसे में एक बढ़िया व्यवसाय कर सकता है। अच्छा, कम पैसे में कर सकता ना? कम कर सकते। हमारे कुछ व्यूअर में जो नए होंगे, इसे अगरबत्ती मालिक करना चाहते हो लेकिन इसके बारे में आइडिया नहीं, मतलब कैसे हम बनाएंगे, तो प्रोसेस अगर आपसे कोई सीखना चाहता है आप लोग बता देते हैं? वो जो भी हमारे पास आते हैं, पहले उनको हम लोग 15-20 मिनट आधा घंटा उनको सारा सिस्टम समझाते हैं। अच्छा। कि कैसे वो बनेगा, क्या क्या मात्रा होगी, अच्छा, पैकेट में कितनी गिनती भरनी है। उसके बाद जब वो उनके रेट के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से क्वालिटी उनकी बनवा दी जाती है, उनको बतला दिया जाता है कि वो इस रेट में उनका कास्ट ये पड़ रहा है और इस रेट में उनको बेचना। अच्छा। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जैसे डायरेक्ट यहाँ से माल ले जाकर रेडीमेड बेचना चाहते हैं, तो भी व्यवस्था आपके पास अवेलेबल है? रेडीमेड व्यवस्था भी, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में कोई कहेगा तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग बनवा देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा। तो ऑलरेडी मैं अभी यहाँ के सारे कलेक्शन दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा थोड़ा सा इनका प्रोसेस भी नॉर्मली दिखाते चलूँ, ताकि आप लोग को नॉर्मल आइडिया लग जाएगा। फिर मैं चाहूंगा जिनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या बैठे यहाँ से विजिट कर सकते हैं। चलिए पर टाइम बर्बाद न करते, कुछ कलेक्शन देखते हैं प्रोसेस होने वाला। तो सर जी आप स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं? जी अगरबत्ती हमारे पास जो 70 रुपए किलो की आती है मशीन बत्ती, अच्छा, और अच्छे मसाले की बनी हुई बत्ती है। अच्छा। और ये जो है इसमें गिनती तकरीबन 1000 के आसपास आती है। अच्छा, अप्रोक्सली 1000 के आसपास तीलियां रहती होंगी। 1000 तीलियां रहती है। 70 रुपए जो किलो बता रहे हैं, तो ये पूरा परफ्यूम करके आ गया, मतलब सेंटेड करके करना पड़ेगा? ये सादी अगरबत्ती है। हाँ, इसको अलग से फिर परफ्यूम लगाना पड़ता होगा ना? हाँ, इसमें परफ्यूम मिलाते हैं। अच्छा। उसमें जो है आयल आते हैं, आयल में परफ्यूम को निश्चित मात्रा में डाल के जी, और उसको सेंटेड अगरबत्ती के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो वो सुगंधित हो जाती है। उसके बाद अलग अलग पैकेट्स में अलग अलग गिनती के हिसाब से भर के उसकी पैकिंग की जाती है। दोस्तों आप लोग बताना चाहूँगा, जो अगरबत्ती 70 रुपए किलो देख रहे हैं, ये सिंपल एरिया लेटिंग का गोदाम कहीं और है। अगर टाइम कभी मिलेगा तो मैं जरूर विजिट कराने की कोशिश करूंगा। बाकी इनका सिंपल एरिया आपको स्टॉक में बहुत सारे मिल जाएंगे, और ये 70 रुपये अगरबत्ती आपको सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद आप घर पे बना करके इसको अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। अगला प्रोसेस ये कौन सा अगरबत्ती है? ये सेंटेड अगरबत्ती है। सेंटेड, ये केसर चंदन की, रेडीमेड केसर चंदन के फ्लेवर में है। अच्छा, अच्छी बत्ती सेंटेड हो चुकी है। हाँ, सेंटेड है, इसमें सुगंध है। अच्छा, इसकी प्राइस? अच्छा, इसमें इसको डायरेक्टली आदमी जला सकता है ना? हाँ, डायरेक्ट इसको जला सकता है। देख सकते हैं अगरबत्ती का कैसे मिलने वाली, सीधे आप ले जा करके आप अपना पैकेट करके आराम से मार्केट में उतार सकते हैं।
इसकी प्राइस की बात कितने रुपए केजी होने वाली है? ये तकरीबन जो है 180 रुपए से 220 रुपए किलो के बीच में आती है, अलग अलग क्वालिटी की। अच्छा, 180 से मतलब 200 रुपए किलो में। हाँ, इसमें एक वेरायटी और है, ये 160 रुपए 170 रुपए किलो के रेंज में है। अच्छा। ये लोबान चंदन की अगरबत्ती की बहुत डिमांड है, ये वो अगरबत्ती है, यानी 160-180 मोटी मोटी बात हो सकती है। जी जी जी। और इसके बाद जैसे मान ले कुछ हमारे व्यूअर होंगे थोड़ा बड़े लेवल पर, जैसे जंप करते हैं, हो सकता है अपने माल की पूरी ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, अगर कोई अधिक क्वांटिटी देता है कि अपने माल की जो ब्रांडिंग करेगा तो रैपर वगैरह बनवा देंगे आप? वो उनका, हम लोग का जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस से माल छपता है, वो अपना डिजाइन वगैरह जैसा भी नाम वगैरह बतलाएंगे जी, उनको जो है उनके नाम का पैकेट छपवा दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कम से कम अपना ब्रांड बनवाने के लिए 40-50 हज़ार पैकेट उनको छपवाना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम दोस्तों 40-50 हज़ार पैकेट आपको छपवाना पड़ेगा, जब अपने नाम से ब्रांडिंग कर सकते हैं। पहले आपको मैं यही प्रेफर करना चाहूँगा, अगर कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं पहले जो इन लोग का ब्रांड खुद ले जाकर मार्केट में सेल कीजिए, उसके बाद जैसे आपका नेम फेम बन जाता है तो फिर अपने जो भी सारे क्वांटिटी जो भी आपका ब्रांड रहेगा अपने स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर कुछ ब्रांडिंग जो चीज़ें हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे इसकी बात करें तो ये क्या है, मोगरा? ये मोगरा क्या 5 रुपए बिक्री के पैकेट हैं। अच्छा, और इसी तरीके से ये सर, इसकी कास्टिंग की बात करें जो 5 वाली है, इसकी मतलब अगर कोई पेपर छपवाता है कितना कास्टिंग आ जाए? लगभग इस समय कागज के रेट महंगे होने की वजह से थोड़ा रेट बढ़े हुए हैं, इस समय तकरीबन 95 पैसे से 101 रुपए के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली 95 पैसे मंथली, यानी कि मोटी मोटा में 1 रुपए के आसपास। हाँ, 1 रुपए के आसपास। और आगे दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें साथ हम इसके ऊपर की पैकिंग का भी देते हैं इसी रेट में। अच्छा। इसकी ऊपर की पैकिंग जो करते हैं पैकेट, और ये वाली क्या समझ कैरेट में आती है जो अंदर डाली जाती है? ये अंदर पैकेट है, ये पाउच है, इसमें जो है अगरबत्ती रख के पैकेट के अंदर लोग डालते हैं। अच्छा। ये जो है पाउच 50-60 रुपए हज़ार से 70-80 रुपए हज़ार के बीच में अलग अलग साइज के हिसाब से आती है। 5-10 पैसे पड़ता होगा? हाँ हाँ, कमी आता जी जी जी। और देखो कई कलर में आपको मिल जाएंगे, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, अश्काई का, मतलब कई कलर मिल जाएंगे। बाकी इन लोग का नॉर्मली बताते चलिए कैसे कैसे क्या। नॉर्मली ये पैकेट है, इसमें इसी में जैसे ये पैकेट में आप ये गुलाब की पैकेट है, गुलाब की पैकेट में ये पन्नी जो है, पन्नी में अगरबत्ती मान लिए 7-8 बत्ती भर के इसमें रखेंगे। अच्छा। और रख करके इसकी जो पैकिंग तैयार हो जाएगी, ये बना करके। अच्छा अच्छा। ये जो है ये 5 वाली पैकेट है? हाँ, 5 इसमें बत्ती अगर 95 पैसा पड़ेगा। हाँ, 95 से 1 रुपए की जो पड़ती है, बत्ती रख के अंदर भर के इसमें टेपिंग कर देते हैं। अच्छा। और टेपिंग करके इसका ऊपर का डब्बा, इसका ऊपर का डब्बे में आता है, उस डब्बे में 15-15 पीस की पैकिंग हो जाती है इस तरीके। जैसे मोगरा का पैकेट है, इसका ऊपर का पैकेट है, इसे 15 पीस पैक करके इसके फिर आराम से मार्केट में डब्बा बेचते हैं। कितना प्रॉफिट कमा लेगा, कुछ आइडिया? लगभग एक डब्बा जो आप बेचेंगे, अब इसमें मार्केट के ऊपर है कैसा माल बनाते हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम एक डब्बे पे 10-15 रुपए दर्जन का डब्बे पे प्रॉफिट होता है, 5 रुपए वाले पे। 5 रुपए वाले पे। हाँ। इसके बाद मैं देखो 10 वाले कुछ पैकेट दिखाई दे रहे हैं, सबकी प्राइस की बात करें तो कास्टिंग कितना आती होगी? ये तो थोड़ा सा 20 रुपए एमआरपी पे है, ये 200 रुपए सैकड़े की पैकेट आती है। अच्छा। इसका भी ऊपर का कवर मिल जाता है उसी में। अच्छा। और उसमें दर्जन की पैकिंग बना करके इसको बेचते हैं। अच्छा। ये 10 रुपए पैकेट की पैकेट है, इसमें जो है लोग अगरबत्ती 20 बत्ती भर के इसको दर्जन का डब्बा बना के इसको भी मार्केट में आराम से 80-85 रुपए जैसा क्वालिटी का और रेट मिले मार्केट में, उस हिसाब से बेच के 20-25 रुपए दर्जन की मार्जिन इन पे मिल जाती है। आगे मैं कुछ देखो ये रैपर बने हुए सब इसी हिसाब के साथ। ये रैपर हैं, जैसे इसमें ये 5 रुपए बिक्री के आते हैं, ये 5 रुपए बिक्री के पैकेट हैं, ये लरी में आते हैं पूरा, इसको जो है इसमें भर के लोग बेचते हैं। इसी तरीके से ये 10 रुपए वाले रैपर आते हैं, 10 वाले में भी लोग भर के बेचते हैं। ज़्यादा बत्तियों की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे ये जीपर पैकिंग आती है, इसमें लोग अपना भर के बेचते हैं अलग अलग नाम से। तमाम वेरायटी 5 रुपए का एक पड़ता है, 5 रुपए का पड़ता है। पैकिंग होने के बाद ये मार्केट में 70-80 रुपए 70 एमआरपी का। हाँ, 70 एमआरपी है, लेकिन ये 70-80 रुपए का जो है ये दर्जन का या 6 पीस का उसी हिसाब से बना के बेचते हैं। अच्छा। अगरबत्ती के परफ्यूम है। अच्छा। जैसे जाफरी है, बागीचा है, देशवासी है, और कच्ची चमेली है, बेला है, और मोगरा है, बोकेट है, इसी तरीके से तमाम वैरायटी सेंट के आते हैं, परफ्यूम के आते हैं। अच्छा। और वो सारे आइटम आप लोगों को दिए जाते हैं। रेट की बात क्या होने वाले हैं? ये जो रेट परफ्यूम के रेट जो है
अच्छे क्वालिटी के जो भी होते हैं वो 350-400 रुपए 500 ग्राम से लेकर के अच्छा। और वो जो है 700-800 रुपए 500 ग्राम तक के जंगली चलते हैं। अच्छा 350 बोले तो मतलब क्या कर रहा था, यानी 700-800 रुपए किलो से स्टार्टिंग। 700-800 रुपए किलो से स्टार्टिंग। इधर देख पा रहा मैं सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रैपर भी कागज के लगे हुए हैं, अप्रॉक्सली 80 पैसे 90 पैसे 95 पैसे यानी 1 रुपए का आसपास आपको पड़ने वाले हैं, जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने डिजाइन से लेकर आप लोग सेल या कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं अगरबत्ती जैसे मतलब कम पूंजी में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट पर आदमी काम कर सकते हैं? एक मोटा मोटी जोड़ लिए तो 25-30% का जो है मार्जिन इसमें है। फिर तो अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा काम है कम पैसे में और बहुत बढ़िया ये रोजगार लोगों को जी मिल जाता है। दोस्तों देख सकते हैं अगरबत्ती बनाने का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जब यहाँ कॉल करते हैं आते हैं जैसे अगर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस दिखा दिया जाएगा। आप देखो इधर कुछ बहुत सारे कोन लगे हुए हैं, तो ये एक आपका एक रेशियो होता है सबको, जैसे डीपी आयल हो गया बहुत सारे रहते हैं। अगर सर थोड़ा सा डीपी आयल को दिखाइएगा परफ्यूम क्या होता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डीपी आयल है परफ्यूम है क्या रेशियो होता है, सारे परसेंटेज सारे आपको जब यहाँ पर आते हैं तो सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। डीपी आयल भी देखने को मिल पा रहे होंगे, तो देख सकते हैं जहाँ तक संभव हो सका मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाने की एक एक करके कोशिश किया। तो इसे मैं रिपीट करना चाहूँगा, जहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से विजिट कर सकते हैं। इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।